हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्प एस टीवी। गाइस, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। इनको जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या आरबीआई बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये पैसा इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही भरोसेमंद तरीका होता है। गाइस, जिस तरह आप बैंक एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां आपको 4-6% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसे आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, क्योंकि यहाँ आप पैसा बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैंकों को बहुत ही भरोसेमंद और सुरक्षित समझा जाता है। गाइस, ठीक इसी तरह आप गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, मींस यहाँ आपको एफडी से ज्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही ये बहुत ही सेफ और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है। अब ऐसे तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट आपके पैसे ना लौटाए या गवर्नमेंट आपके पैसे लेकर भाग जाए। गाइस, फॉरेन कंट्रीज में तो लोग बॉन्ड में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और हमारे देश में तो ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। आजकल हमारे देश में भी लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में काफी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। इसके अलावा गाइस, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा। ये भी एक गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह अच्छा तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझते हैं। आखिर बॉन्ड क्या होता है? गाइस, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक ऋण का साधन यानी पैसा उधार लेने का एक तरीका होता है, जिसमें एक इन्वेस्टर किसी कॉर्पोरेट कंपनी या गवर्नमेंट को एक निश्चित समय अवधि यानी एक फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट यानी एक निश्चित ब्याज दर पर पैसे उधार देता है। गाइस, विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के लिए कंपनियों, नगर पालिकाओं, राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों द्वारा बॉन्ड जारी किए जाते हैं। यहाँ इन्वेस्टर यानी बॉन्ड के मालिक बॉन्ड जारीकर्ता के ऋण धारक या लेनदार होते हैं। गाइस, गवर्नमेंट बॉन्ड किसी भी देश की सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। गाइस, सरल भाषा में समझे तो जब सरकार को किन्हीं कारणों से या किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत होती है और गवर्नमेंट को बजट से पैसे नहीं मिल पाते, तो इसके लिए सरकार सीधे जनता से पैसे बोरो करती है या कहें कि जनता से लोन लेती है। इसके लिए सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, जिस पर एक फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट यानी एक सीमित दर से ब्याज दिया जाता है, जैसे 8% या 10% इत्यादि। गाइस, बॉन्ड को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू होने का कोई निर्धारित या विशेष समय नहीं होता है। सरकार जब चाहे साल में कितनी भी बार किसी भी समय गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर सकती है, जिसकी जानकारी सरकारी न्यूज, सरकारी वेबसाइट या पोर्टल पर या बैंकों द्वारा मिल जाती है। गाइस, ठीक इसी तरह आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड का नाम भी सुना होगा। तो ऐसे में जब किसी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए या तो कंपनी बैंक से लोन लेती है, जिसमें कंपनी को बैंकों को बहुत ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, या फिर कंपनी फंड जुटाने के लिए अपना आईपीओ जारी करती है, जिसमें कंपनी को अपने शेयर्स यानी अपनी हिस्सेदारी सेल करनी होती है, बेचनी पड़ती है। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए और फंड जुटाने के लिए कंपनियां गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह ही कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं और सीधे जनता से पैसे बोरो करती हैं। इस तरह कंपनी को बैंकों से कम ब्याज दर पर जनता से पैसे मिल जाते हैं, और ऐसे में कंपनी को अपनी शेयर्स यानी अपनी हिस्सेदारी भी नहीं बेचनी पड़ती है। सो गाइस, अब वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ। गाइस, गवर्नमेंट बॉन्ड में दो प्रकार होते हैं, जैसे एक ट्रेजरी बिल्स और एक बॉन्ड्स। तो चलिए इनको डिटेल्स में समझते हैं। गाइस, ट्रेजरी बिल्स एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गाइस, जिन बॉन्ड की समय सीमा यानी मैच्योरिटी टाइम 1 साल से कम होता है, वे ट्रेजरी बिल्स कहलाते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये सिर्फ 3 अवधियों में जारी किए जाते हैं, जैसे 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ट्रेजरी बिल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट्स द्वारा जारी किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स जारी नहीं करती हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती हैं, जो एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गाइस, जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। यह एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिन बॉन्ड्स की समय सीमा यानी मैच्योरिटी टाइम 1 साल या उससे ज्यादा होता है, वे गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। गाइस, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की समय सीमा यानी मैच्योरिटी टाइम 5-40 साल के बीच होता है, वहीं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स यानी ट्रेजरी बिल की सीमा यानी मैच्योरिटी टाइम 1 साल से कम होता है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स दोनों जारी करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ बॉन्ड्स जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण यानी SDL स्टेट डेवलपमेंट लोन के नाम से जाना जाता है। गाइस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में कोई भी डिफॉल्ट या फ्रॉड होने का डर नहीं रहता है, इसलिए ये बहुत ही सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है।
गाइस बॉन्ड्स का एक कूपन दर तय किया जाता है। कूपन दर एक तरह की ब्याज दर होती है। बॉन्ड इश्यूर यानी बॉन्ड जारी करता इसी रेट पर बॉन्ड होल्डर्स यानी इन्वेस्टर को ब्याज देता है। इनकी ब्याज दर सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों की FD यानी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा होती है। जैसे देश के सभी प्रमुख बैंक FD पर 4-6% ब्याज देते हैं, जबकि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप 6-8% जैसे 7.15 इत्यादि FD से ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। गाइज अब सवाल आता है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो गाइज इसी के लिए BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE डायरेक्ट और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने NSE गो बिट नाम के दो एप्स लॉन्च किए हैं। इन एप्स को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इन एप्स की सहायता से आप इजीली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को बड़े इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां इत्यादि खरीद लेते थे, और छोटे इन्वेस्टर और आम जनता इसको नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि पहले आम जनता और छोटे इन्वेस्टर को इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती थी, और साथ ही आज की तरह बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना इतना आसान भी नहीं होता था। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉन कॉम्पिटेटिव फैसिलिटी आने के बाद अब छोटे इन्वेस्टर और आम जनता भी इजिली गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं। गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड में आप मिनिमम 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट आप डायरेक्ट अपने UPI या इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से कर सकते हैं। गाइस इन एप्स के अलावा कुछ ब्रोकरेज फर्म्स भी हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देती हैं, बट इस तरह ऑनलाइन इन एप्स और ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। गाइज अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां रिस्क भी कम हो और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिले, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो यहां इन्वेस्ट करना बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने खरीदे गए बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट के जरिए किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में उन सिक्योरिटीज को खरीदा वे बेचा जाता है जो मार्केट में आ चुकी हो। गाइज स्टॉक मार्केट को ही सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। बट गाइज अगर आपको अपने खरीदे गए बॉन्ड्स के पूरे बेनिफिट चाहिए तो आपको उसे फुल मैच्योरिटी टाइम तक होल्ड करके रखना होगा। गाइज जिसे IPO या बॉन्ड्स को मार्केट में आने से पहले जहां हम खरीदते हैं वह प्राइमरी मार्केट कहलाती है, और IPO और बॉन्ड्स जारी हो जाने के बाद जहां ये मार्केट्स में आते हैं, जब ये स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, तो इसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। सो गाइज ये थी गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में छोटी सी जानकारी। होप आपको जानकारी पसंद आएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इसी तरह की नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्रिशिएट योर टाइम।